Hey guys, welcome back to the channel. So, इस वीडियो के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे हमें, स्पेशली इंस्टाग्राम पे. तो सोचा फाइनली इस पर एक वीडियो बनाया जाए. सो मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो ट्रैवल करते टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है, और जब मैं घर पर होती हूँ तो थोड़ा डिफरेंट होता है. सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ट्रैवल वाला रूटीन शेयर करने वाली हूँ, सिंस हम लोग गोवा में हैं और ट्रैवल कर रहे हैं. सो क्विकली स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मैं पानी पीने का ट्राई करती हूँ, कम से कम 2 से 3 लीटर दिन में. पहले मैं बिल्कुल नहीं पीती थी, और जब मैंने वो शुरू किया, रेगुलरली मैंने कंसिस्टेंटली ज़्यादा पानी पीना शुरू किया, तो मुझे अपने आप मेरे स्किन में डिफरेंस समझ में आया. स्पेशली मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई साइड पे है, तो जब मैं पानी नहीं पीती हूँ तो वो ड्राइनेस पूरा फेस पे भी दिखता है, स्किन पे भी दिखता है. और दूसरी चीज़, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी सारा प्रोडक्ट शेयर करूँगी वो मेरे स्किन टाइप पे सूट करता है. मेरा स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ड्राई साइड पे है, तो मुझे कभी कभी गर्मी में भी मेरा स्किन बहुत ड्राई हो जाता है. और इनफैक्ट 12 के 12 महीने मेरा स्किन ड्राई साइड पे ही रहता है. बट नॉट नेसेसरी कि ये सारे प्रोडक्ट आपके स्किन पे सूट करे, तो प्लीज़ ये सारे प्रोडक्ट ट्राई करने से पहले एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिएगा. सो स्टार्ट करते हैं. मैं जस्ट अभी शावर लेके आई हूँ. मैंने ऑलरेडी मेरा फेस जो है वो क्लीन कर लिया है. मैं यूज़ करती हूँ ये वाला क्लिनजर, ये बॉडी शॉप का कैरेट वॉश है. ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है. मैं माइल्डर साइड वाले ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी हेवियर क्लिनजर यूज़ करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा जो मॉइस्चर है वो पूरा ऐसे चला गया है. सर पेपर जो रहता है ना, पेपर की तरह ड्राई होता है, वैसा मेरा फेस मुझे फील होता है. ये बहुत ज़्यादा माइल्ड क्लिनजर यूज़ करती हूँ, इसमें बिल्कुल भी फोम नहीं आता, सिर्फ क्लीन करता है ये फेस को. मॉर्निंग में मैं ये यूज़ करती हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू किया है, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि और कौन सा प्रोडक्ट मेरे स्किन पे सूट करेगा. ये बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स के बाद मुझे ये वाला क्लिनजर मिला था. फिर उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये वाला रोज़ वाटर स्प्रे. ये कामा का है और बहुत ज़्यादा जैसे फ्रेश फील होता है इसे यूज़ करने का, प्लस ये टोनिंग का भी काम करता है. मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, बहुत हाइड्रेटिंग है ये. उसके बाद जो स्टेप 3 है मेरा, वो मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉसारेक्स का स्नेल म्यूसिन है. ये बेसिकली बहुत ही कम लेना होता है. ये देखिए, मैं सिर्फ छोटे से 2 पंप ले रही हूँ इसके. और ये जो है ना, ये बेसिकली मॉइस्चर को लॉक करता है. जिसका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, वो ये यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा है ये. मतलब इसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना, वो ज़्यादा देर तक, मतलब लॉन्गर पीरियड तक आपके फेस पे रहेंगे. इसको बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है, और इसका कंसिस्टेंसी तो मैंने आपको दिखाया ही. मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने आया है, और ये मैंने बाय किया था 6 से 7 महीने पहले, और इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले. ये मेरे स्किन पे तो बहुत अच्छे से वर्क कर. उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये एम कैफिन का फेस सीरम. मेरा जो फेस है, मतलब मेरा जो ओवरऑल बॉडी है, उसमें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है. और मेरी मम्मी की साइड की फैमिली में सबका जो फेस है वो यूजुअली बहुत पफी दिखता है. हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो 1 से 2 घंटे के लिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि रात भर पूरा रोकर सोए हैं, वैसा लिटरली फेस लगता है. अभी भी मेरे फेस पे पफिनेस है, आईज पे तो है ही, बट पूरे फेस पे भी होता है पफिनेस. इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, इससे थोड़ा पफिनेस मेरा कम हो जाता है, और प्लस ये हाइड्रेटिंग भी है. फिर उसके बाद ये सबसे मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मतलब ये एक्सपेंसिव है. मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं ये पिछले 2 साल से मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, और बहुत अमेजिंग है. मतलब मेरा स्किन जल्दी से ड्राई होता ही नहीं, और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है. एक्सपेंसिव है ये प्रोडक्ट, क्लिनिक का 100 आवर मॉइस्चर सर्च. इसके सारे प्रोडक्ट अमेजिंग है, और इतना लाइट है, स्किन पर बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता. क्योंकि जब मैं शूट करती रहती हूँ तो मुझे मेकअप करना पड़ता है, और मेकअप कितना भी आप लाइट प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो थोड़ा सा स्किन पर हैवियर लगता है. बट ये अमेजिंग है, मतलब ये बहुत लाइट है. अगर आपका मॉइस्चराइजर भी हैवी रहेगा ना, तो ओवरऑल सारा फेस आपका हैवी होता है. बट ये अमेजिंग है. इसमें क्रीम बेस्ड भी आता है और जेल बेस्ड भी आता है. मैं ये जेल बेस्ड यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ, बट ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है क्रीम से.
आई थिंक ये 30 ml वाला प्रोडक्ट है. सो ये 30 ml वाला प्रोडक्ट मुझे लास्ट करता है अराउंड 2 to 3 months. यूजुअली विंटर में ज़्यादा मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस मंथ में मेरा जल्दी से फिनिश हो जाता है. उसके बाद मेरे आँखों के नीचे कॉन्स्टेंटली डार्क सर्कल्स होते हैं और थोड़ा ड्रायर भी हो जाता है, जल्दी से ड्राई होता है और जो पूरा टायर्डनेस है वो आँखों से ही ज़्यादा समझता है. तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्लिनिक का जो आई क्रीम है. बट फ्रैंकली बोलो तो मुझे ये प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं लगा. एक्चुअली मैंने क्लिनिक का एक बड़ा साइज़ का टब लिया था, सो उसमें मुझे ये क्रीम मिला था, तो मैंने इसमें इसको यूज़ किया. बट मुझे इतना अच्छा रिजल्ट इसका दिखा नहीं है. इनफैक्ट आप जो मॉइस्चराइज़र है उसे थोड़ा सा ज़्यादा अराउंड आईज लगा सकते हो, बट सिंस अभी मेरे पास ये है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. फिर लास्टली मैं यूज़ करती हूँ ये वाला सनस्क्रीन. मैं बहुत ज़्यादा आलस करती थी सनस्क्रीन लगाने के लिए, बट जब से हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करना शुरू किया है तो मुझे इसका इम्पोर्टेंस समझा है. और यूजुअली अब तक मैं जितने भी सारे यूज़ कर रही थी, मैंने इसके पहले लास्ट शील्ड भी ट्राई किया था सनस्क्रीन, बट वो बहुत हैवी लगता है और वो ऐसे फील होता था कि कुछ एक्स्ट्रा लगाया है फेस पे. बट ये एक्वालॉजी का अगर सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, प्लस आपको ऐसे ड्यूई लुक देता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और बहुत लाइट फील होता है, वाइट कास्ट भी नहीं है. सो और बहुत अफोर्डेबल है, मतलब आई थिंक सो ये 350-400 के आसपास है, तो ये बहुत अमेजिंग लगा मुझे. सो इसके मैं बहुत ज़्यादा पंप यूज़ करती हूँ. सो आई डोंट नो आप लोग देख पाओगे कि नहीं. सिंस गोवा में अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है और मुंबई में भी हमेशा ही होता है, सो ये देखिए मैं इतना एटलीस्ट मैं 4 pumps यूज करती हूँ सनस्क्रीन के. सो गाइज आई एम डन विथ माई स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. ये देखिए ये कितना अच्छा सनस्क्रीन, मतलब ऐसा पूरा ग्लोई लुक देता है. अगर आपको ऑयली स्किन है तो आप कोई भी मैट वाला प्रेफर कीजिए, मे बी आपको लाश शील्ड अच्छा लगेगा. बट सिंस मैंने ड्रायर साइड पे है तो मुझे ये वाला सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. अभी इसके ऊपर जो भी मुझे मेकअप करना है वो मैं मेकअप करूँगी, बट ये मेरा बेसिक बेस होता है रोज़ का और इसे करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैंने इसमें से कोई भी स्किप किया तो मेरा स्किन जल्दी से ड्राई दिखना शुरू हो जाता है और बहुत फ्लेकी हो जाता है. इसके साथ मैं लिप के लिए यूज़ कर रही हूँ ये वाला लिप बाम. ये बहुत अच्छा है, इसका ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. इसको भी लेकर मुझे काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 9 या 10 months हो गया है. सो इसका नाम मैं डाल दूँगी यहाँ पर. ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ठीक है और सिंस मेरा लिप्स भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं तो इसको बहुत ही से थोड़ा सा लगता है इसका. और इसे ग्लो देता है, आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाओगे लिपस्टिक वगैरह ना तो भी काफ़ी अच्छा दिखता है. इसके अलावा मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि मेरा नाइट टाइम का रूटीन क्या होता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ. और यूजुअली जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा शूट भी होता है और मैं मेकअप भी लगाती हूँ फेस पे, तो भूले बिना उसे रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मैंने बहुत हार्ड वे से समझा है. लास्ट के 2 साल पहले मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और पूरा मेकअप लगा के ही सो जाती थी, बट उसके वजह से स्किन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है. सो मैं अभी मेक श्योर करती हूँ कि मैं रात को बिना भूले कितने भी थक के आई हूँ मैं ज़रूर मेरा मेकअप जो है वो रिमूव करूँ. और उसके लिए मैं ये वाला क्लिनजर यूज़ करती हूँ. 3600 का ये टब है क्लिनिक का, इसका नाम है टेक द डे ऑफ. ये बाम वाले कंसिस्टेंसी में है बट ये अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका रिजल्ट. आपको बिल्कुल भी हैवी या फिर ऐसे बहुत केमिकल वाला फील नहीं होता है. और इसके पहले मैं वो ऑयल यूज़ कर रही थी बट उससे भी ऐसे 3-4 बार उसे रब करने के बाद ही वो मेकअप रिमूव हो रहा था. बट ये सिर्फ आपको थोड़ा सा लेना है पूरा मेकअप रिमूव हो जाता है. ये लिटरली मुझे 1 साल कम से कम ये टब जाता है. ये मेरा तीसरा टब है, मैं पिछले 2-3 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं. उसके बाद मैं रात को मेरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करती हूँ. तो इसके लिए मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ ये ग्लाइकोलिक एसिड लॉरियल का. इसके रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं. इसके हार्डली 1 या 2 pumps मैं यूज़ करती हूँ और पूरे फेस पर उसे स्प्रेड करती हूँ. इसके वजह से जो भी मेरा टैनिंग है
वो कम होने में हेल्प करता है, प्लस काफ़ी हाइड्रेटिंग भी है। और उसके साथ में यूज़ करती हूँ मॉइस्चर सर स्प्रे। सो बेसिकली इससे लगाने से पहले मैं ये वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ क्लिनिक का, काफ़ी अच्छा है ये भी। ये छोटा सा बॉटल मुझे लास्ट करता है 2 से 3 महीना, और ये बेसिकली मुझे फ्री में मिला था। इसके बड़े बॉटल्स आते हैं जो आपको रफली 6 to 7 months लास्ट करेगा, और क्लिनिक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं बट रिजल्ट्स अमेजिंग है उसका। लास्टली आगे मैं फिर से रात को यही वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। सो गाइस ये था मेरा स्किन केयर रूटीन। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगेन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरा स्किन केयर रूटीन है, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे स्किन पे ज़्यादा सूट करते हैं, और इन सबका जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है इनकेस अगर आपको बाय करना होगा तो। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया रहेगा। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मेरी मैं घर जाकर एक और स्किन केयर रूटीन वाला वीडियो जरूर शूट करूंगी, मुझे कमेंट करके बताइए। सो गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय वंडर्स।